प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और बचे हुए लोग कल 10 बजे से 12 बजे के बीच में कॉल्स करें। कल 10 से 12 आपकी कॉल्स अटेंड की जाएंगी, इस वजह से कि आप पेड ग्रुप में हैं और आपकी क्लास सुचारू रूप से चल नहीं रही है, इसलिए शुरू करते हैं क्लास को। ये प्रैक्टिस का समय है और इसके बाद ओथेलो की क्लास और होगी, शेक्सपियर की दूसरी ट्रेजेडी, आप बहुत वेट कर रहे थे उसका, और वो अभी इसके बाद 7 बजे ऐप पर क्लास लगी है, वो वहाँ होगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपने पढ़ लिया होगा और इसका आंसर दीजिए फटाफट। अरे लुकाई देत है सब एम के गौतम, सब दिखाई देता है बेटा, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, लौकत है सब लौकत है बचवा। आवाज आ रही है, सब बिल्कुल फिट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो जरा और हमको मैसेज करके ये बता दो कि सब दिक्कत नहीं है और सब क्लियर है, ठीक है, सब ठीक है। 35 का बी बता रहे हैं फैटल वीकनेस, अब बिल्कुल ऐसी वीकनेस जो आपके लिए इतनी घातक हो, आप अपने आप को ही चोट पहुंचा लें और आप मरने की हद तक फैटल, फैटल का मतलब घातक होता है, इतनी कि आपकी जान ले ले, ऐसी कमजोरी आपकी एक्लिस हील्स होता है। एक्चुअली ये मुहावरा है, एक्लिस नाम का एक योद्धा था जो स्पार्टा के युद्ध में ट्रॉय से लड़ा था और उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। उसकी खासियत यह थी कि उसका पूरा शरीर वज्र का बना हुआ था, दैवीय कृपा के कारण, वो चंद्रमा का बेटा था और इस वजह से, और उसके कमजोरी क्या थी, उसकी मृत्यु उसके पैर में थी, हिल्स में थी, यानी हिल्स में कोई तलवार से मार देता, अंत में उसी की वजह से, उसमें भाला लगने की वजह से उसकी मृत्यु हुई। तो ये उसके एड़ी में कमजोरी थी, उसके पैर में कमजोरी थी, तो वह ऐसी कमजोरी थी जिसकी वजह से उसकी जान चली गई, तो ये हील्स इसी वजह से कहा जाता है, एक्लिस हील्स का मतलब है, एक्लिस नाम के योद्धा की हील्स, जहां उसकी मृत्यु का कारण छुपा था, तो एक व्यक्ति की ऐसी कमजोरी जो उसकी मृत्यु को प्रदान करे, उसे मृत्यु दे दे, मार दे उसे, ऐसी कमजोरी को हम एक्लिस हील्स कहते हैं। ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट। अगले वर्ड की चर्चा, सैलड डेज, दूसरा बहुत शानदार ईडियम है आपके सामने, जरा देखिए सैलड डेज क्या होता है, एरर बता रहा है, चल रहे हैं, ठीक है, तो समझ में आ रही है बात। अब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए साथ में। सैलड डेज आप बता रहे हैं, कोई डी बता रहा है, कोई बता रहा है, कोई बता रहा है, बच्चों ने भी ए बताया है, अब ए बता रहे हैं। डेज ऑफ वंस यूथफुल, कहते हैं वो अपने सैलड डेज को एंजॉय कर रहा है, सैलड डेज को प्राप्त कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। सैलड डेज का मतलब ही होता है जब आप युवा हो और उस समय के जो आपके साथ होता है उसको हम याद करें या उसको हम उसमें जी रहे हो, तो हम कहते हैं वो अपने सैलड डेज, ही इज लिविंग इन हिज सैलड डेज, ये बिल्कुल सही है। अब बहुत ही ओल्ड एज नहीं, गोल्डन डेज, यस। अब आ जाओ द इडियम एट वंस फिंगर टिप्स, ये जो एट वंस फिंगर टिप्स है इसको क्या कहते हैं। हाँ, कल कोई क्लास नहीं हुई थी सोनू, ठीक है, और अब खूब क्लासेस होने का, बहारों का समय आ गया है, धूप में मुझे निकलना नहीं है बिल्कुल, और कल के बाद विद्यालय हमारे पास, पूरी तरह से हम बिल्कुल गर्मी का आनंद लेंगे घर पे रुक के, और आपके साथ थोड़ा सा वार्तालाप का समय ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना। और ऐप पे खूब सारी क्लासेस अब होने वाली है, कोर्स अब तीनों चलेंगे, राजस्थान का भी चलेगा और ये यूपी टीजीटी का भी चलेगा, और एलटी ग्रेड की भी क्लासेस होंगी साथ साथ में, ठीक है ना, एक बंदा हमको और जोड़ना पड़ेगा टीम में, और आपको खूब सारा पढ़ने के लिए तैयार रहना है। मैं पूरा शेड्यूल बना रहा हूँ, आरपीएससी का एक घंटा, एलटी ग्रेड का एक घंटा, टीजीटी का, और तीनों से रिलेटेड जो है यानी ग्रामर और वोकैबुलरी का पोर्शन, ये एक साथ चलता रहेगा पूरी तरह से, और 5 से 6 घंटे के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। और नॉर्मल लेवल्स की जो सुबह 6 बजे रिविजन होता है वो आप बहुत ध्यान से लें, उसको जरूर लें, मेरे क्लास को शेयर करने का रास्ता ना देखें, ठीक है ना, मैं क्लास ना भी शेयर करूं, मैं देर में सो के उठूं, तो आप उसको जरूर लें। आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप 6 बजे तक सोते रहते, आप सुबह जल्दी उठिए और अपने आप को बिल्कुल पूरा दिन काम करने के लिए तैयार करिए, समझ गए बात को, ऐसे चलने वाला काम है। तो एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है इतना आसान कि हमारी उंगलियों पर है, तो
रेडिली अवेलेबल नॉलेज यही सही होगा, यानी ये सी। हाँ बिल्कुल, आप भी स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और अब है पढ़ने का समय, और ये मौसम है बहार का, बहार आने वाली है आपके एग्जामिनेशन, बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाइए आप। और काफी हद तक आपको तैयार भी कर दिया हमने, 300 बच्चे तो हमारे ऐसे कम से कम हैं, जो हमारे वीडियो हैं वो जो अनलिस्टेड वीडियोस हैं और जो ऐप पे क्लासेस हैं रिव्यूज के हिसाब से लगभग 300 बच्चा एक वीडियो जरूर देख रहा है, यानी 300 बच्चे तो हमारे पास लाभान्वित हो रहे हैं। वो पेड है कि हो सकता है चोरी से आ गया हो, नहीं है, हैं वो अपने बच्चे और वो पढ़ भी रहे हैं, अगर वो कहीं वीडियो पा गए और देख लिया उसको तो वो भी उसमें गिन जाएंगे, काउंट हो जाएंगे, इसका मतलब वो भी हमारे साथ लगे हुए हैं मैदान में, ठीक है ना। मैसेज रीड कर रहे हैं लेकिन ज्यादा मैसेज थोड़ी रीड करेंगे। विच सेंटेंसेस ब्लो बिलो हैज एज इट्स कॉन्स्टिट्यूट पार्ट एसवीओसी, आपको ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। आप जब फंडामेंटल्स हमारे पढ़ेंगे, 30 क्लासेस फंडामेंटल्स पढ़ी हुई हैं, इसमें पहली क्लास से लेकर के और लगातार 300 क्लासेस आपको देखनी है, एक साथ देखनी है। कुछ क्लासेस का उसमें हॉच पॉच है, कल हमको टाइम मिलेगा, कल नहीं तो परसों जरूर मिलेगा, और उसमें हम देखेंगे कि कौन से नंबर पर कौन है, उसको बैठ कर 2 घंटे हमको लगे सही करवाएंगे, देख देख, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल दिक्कत में ना रहें, सब काम होगा बेटा, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तब होगा, ठीक है ना, आप परेशान ना हो बिल्कुल। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, आपको सब कुछ मैं बता चुका हूँ। सब्जेक्ट कर्ता होता है, वर्ब वह एक्शन प्रक्रिया होती है जिसको, ऑब्जेक्ट वह कर्म होता है जिस पर कार्य किया जाता है, और कॉम्प्लीमेंट उस क्रिया के बारे में कुछ कहता है, वह उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, और जब वो क्रिया के बारे में कहता है तो ऑब्जेक्ट टू द वर्ब होता है और कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब होता है, और जब वो ऑब्जेक्ट को कुछ कहता है, ऑब्जेक्ट के लिए कुछ कहता है, एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में लगता है या एडवर्ब फ्रेज के रूप में वर्ब के लिए लगता है, तो वो एडवर्ब कहलाता है। तो ये जो सेगमेंट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर उसका ऑब्जेक्ट जो क्रिया पर हुआ है, और फिर क्रिया के बारे में कुछ कहने वाला एक फ्रेज या वर्ड जो उसका एडवर्ब होगा और वही उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ये सारी चीजें आपको मैंने अपने फंडामेंटल क्लासेस में सिखाई हैं, और उस आधार पर देखें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा नो, नो वन, कैन हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो गई कंसीडर, द पार्टी, और इसमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो कंसीडर के बारे में या पार्टी के बारे में किसी बारे में कुछ कहता हो, सेंटेंस को हम क्रॉस कर देंगे, हटा देंगे। द पुलिस चेस्ड द थीफ ऑल आफ्टरनून, द पुलिस सब्जेक्ट हो गया, चेस्ड वर्ब हो गई, द थीफ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और कब तक ढूंढती रही ऑल आफ्टरनून, हमारा बिल्कुल सही सेगमेंट लिखा हुआ है वहां पर, वो बी ही उत्तर हो गया। तो आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है और ये क्लियर है और ये सही है, बस समझ में आ रही है। समझ में आ रही है, तो इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल है ही नहीं। और अगर आप बात करें नेक्स्ट की, इसकी बात करें, हैव दे पेड यू द मनी, इसमें केवल ऑब्जेक्ट ही है, ये मनी, ये वर्ब हो गई और ये सब्जेक्ट हो गया और ये हेल्पिंग, यानी इसमें भी कोई कॉम्प्लीमेंट सी नहीं है जो क्रिया के लिए कुछ कह रहा हो। I need at least 2 weeks finish the job, 2 सप्ताह चाहिए कम से कम जॉब को फिनिश करने के लिए, ये सेंटेंस भी हमारे पास टू द फिनिश द जॉब है, 2 weeks है, at least है, और सब्जेक्ट है और नीड है, लेकिन ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। I need ये वर्ब हो गई है, at least ये एडवर्ब है जो इसके लिए लगा हुआ है, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और टू फिनिश द जॉब ये इसका ऑब्जेक्टिव केस का एडवर्ब है। ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव का मतलब है, ऑब्जेक्टिव से मतलब है एम वाला, पर्पज वाला, ये एडवर्ब ऑफ पर्पज है, एडवर्ब ऑफ पर्पज। तो इधर 2 एडवर्ब हो गए, तो इस सेंटेंस का जो प्रोसेस है, वो क्रम जो है वो बिगड़ गया है, बदल गया है, वो इसमें फिट नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ड वर्ब से क्या का प्रश्न है, और कॉम्प्लीमेंट कब कब क्यों कहां, आपको मैं ठीक से बता, आप इसको ऐसे देखिए, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का ये जो प्रोसेस,
ये जो ऑब्जेक्ट वर्ब से क्या का प्रश्न, क्या का प्रश्न पूछने पर मिलता, और ये कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता। और जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये कब, क्यों, कहाँ, ऐसे, कितनी बार, ये जो क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी टाइम्स, क्यों गया था, व्हेन, इनका जो आंसर होगा, इनका जो, और ये किए किससे जाएंगे, क्रिया से, तो इनका जो आंसर होगा वह एडवर्ब होगा, और वह पर्टिकुलर एडवर्ब ऑफ टाइम हो, एडवर्ब ऑफ क्यों गया था, इसलिए, तो टू टू करके कुछ करने जा रहा है, तो क्यों गया था, पर्पज, ये पर्पज दिखाएगा, एडवर्ब ऑफ पर्पज हो जाएगा, ये कहाँ गया था, तो स्कूल गया था, तो स्कूल टू स्कूल हमारा क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। कैसे गया था, उसका साधन बताओ, तो मैनर बताओ, बहुत तेज गया था, फास्ट गया था, तो फास्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, कितनी बार जाता है, हाउ मेनी टाइम्स, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, वंस अ वीक, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये जैसे ही, ये फंडामेंटल में पूरा मैंने डिटेल में खोल के बिल्कुल समझ, तो आप जाइए और आराम से 1 to 30 वीडियो फंडामेंटल है, इसमें केवल बेसिक ग्रामर आपको समझाएंगे 30 आवर्स में, और वो बहुत बेहतरीन है, आप उनको बार बार देखें, 2 बार कम से कम, और सारे ग्रामर का आपका बिल्कुल फाउंडेशन तैयार हो जाएगी फंडामेंटल, और फिर आप उस पर कोई भी दीवार खड़ी कर, पीजीटी की, पीजीटी के, एनी एग्जाम यू कैन गेट, ठीक है ना। तो ये सिस्टम था उसमें। अब हम वापस चले वहीं पर, अगर हम वापस चलेंगे तो इसको बंद कर देंगे और आपकी ये समझ में आ गया होगा, कमेंट्स देख लेंगे, जब हमारा मन करेगा हमको थोड़ी पढ़ाने, है ना। तो भाई नाटक करो, ठीक से काम करना, कर नहीं करना, ना करो, सेल्फी भी ज्यादा लो नहीं, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न, फिर से वही है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये आरपीएससी का वो नंबर है जो आपको क्यों दिलाऊंगा मैं, क्योंकि इस इन चीजों को इतना साउंड ब्रेक हो जाती है, सुन रहे हो कि नहीं यार, उसको कंटिन्यू तुम कान में लगा लो, दिक्कत ना आवे नालायक, वैसे बड़े अखरे अखरे करने के बाद पढ़ने बैठते हैं नालायक, तो जर से समस्या होगी तो हमको समस्या होगी, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, चिंता ना करो, सब हो जाएगा प्रीति बेटा, सब हो जाएगा, आज से और कल तक सब हो जाएगा, लंबा काम है विकास भैया कर रहे हैं, उनको परेशान न किया जाए, धीरे धीरे सब हो जाएगा, 1-2 दिन में सारे बच्चों की दिक्कत दूर हो जाएगी। नालायको तुम्हारी हरकत ये है कि अभी कम से कम 40 बच्चा ऐप में पेड वाला जो घूम रहा है, पता नहीं कौन सी गली में खो गया है, वो अभी तक कॉन्टेक्ट नहीं किया कि सर जी हमारा ऐप नहीं, सोचो ये जो रेगुलर बच्चे हैं ये उनकी कहानी है, कुछ 10 से 12 बच्चे हैं ऐप में कुछ आ रही, तो वो कल आज रात से और कल दोपहर तक सॉर्ट आउट हो जाएगी, बस इतना समय दे दो, बैठा के हम यहाँ पर खुद अपने सामने कर, जितने मैसेज मेरे पास पड़े हैं वो सब हमने फॉरवर्ड कर दिए, सारा काम आपका होगा, आप फोन कर लो या तो आपको फोन आ जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमारे, समझ रहे हो बेटा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है आपके लिए, आप थोड़ा सा समय हमको दो और सब बढ़िया बाकी चल रहा, धीरे धीरे हम स्वस्थ हो रहे हैं, आज भी अच्छा लग रहा है थोड़ा, और आज मैं तय करके आया हूँ ज्यादा हम कूदू फांदूंगा नहीं, आराम से मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको सब, ठीक है ना। ए हाँ बिल्कुल, बॉयज हो गया सब्जेक्ट हमारा, देखो आर प्लेइंग फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ये एस वी सी में नहीं है यानी कॉम्प्लीमेंट, एस वी ए में नहीं है यानी सुफरेज नहीं है, एस वी ओ सी में नहीं है यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, बल्कि ये इस, ठीक है ना। हाँ हाँ
सबका मुझे याद है, तुम्हारा कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, ऐसा ना सोचना मैं इग्नोर कर रहा हूँ, कोई ये ना समझे, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, मैं सब ध्यान दे रहा हूँ, मुझे सब पता है कहाँ पर किसका जरूरत है, आप बिल्कुल दिक्कत में ना आए, कल दोपहर तक सब सॉर्ट आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पैटर्न, फिर से वही है दिक्कत, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, पहले एस बी ओ लिखा था, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा है, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप करो इसको। हाँ तुमने भी अमित बेटा फोन किया था, सबके फोन हम रखे हुए हैं अपने पास। अब बहारों का मौसम आया है, क्लासेस की बहारों का, कल और बचा है इसके बाद क्लासेस की बहारें आएंगी, है ना, ठीक है, क्लासेस के गीत गाए जाएंगे, अब परेशान रहो मस्त रहेगा, मस्त रहो बस बिल्कुल। और ये भी समझ लो कि नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा दूर नहीं है भाई, सरकार को भी तो आना है कि देखो हमको यार जॉब दे रहे हैं, ये तो बड़ी चीचा लेदर होगी, है ना, सरकार ऐसा करेगी। बी बता रहे हैं आप तो ही एडमिटेड ही बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही क्यों नहीं है, he insisted on, ये देखो यहाँ पर कुछ है for my reading, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, जरा बताओ हमको ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, he insisted on my reading the letter, इसको जरा पहचान के बताओ ये क्या है, ये कौन सा क्या है फ्रेज है, ये फ्रेज तो है, तो ये क्या काम कर, हमने जो तरीका बताया है उस तरीके को अप्लाई कर, तरीका क्या बताया हमने, कब क्यों कहां कैसे का उत्तर वर्ब से पूछो तो तुमको जो मिलेगा वो एडवर्ब, वर्ब से क्या और किसको का प्रश्न पूछो तो वो ऑब्जेक्ट यानी नाउन, सीधा सा संबंध है भाई, इतना ही कुछ होता है और सेंटेंस में होता है, मैंने तोड़ तोड़ के खोद खोद के सब समझा दिया तुमको अच्छे से, ना मानो तो जाके फंडामेंटल पढ़ो। ऑन माई रीडिंग द लेटर ये कौन सा पार्ट है बोलो, ऐप पर क्लास मिलेगी, हाँ बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, अपना मैसेज तब तक डाल दो, विकास जी के मैसेज पे डाल दो तो वो देख भी लेंगे तब तक, ठीक है ना, मैसेज डाल सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो सर को, विकास सर को अपनी समस्या और नंबर और ईमेल आईडी मैसेज कर दो, हाँ विकास जी इस कस्टमर वाले ग्रुप में एडमिन है देख लो उसमें, और तुम्हारा नाम क्या लिखा है, विकास ठाकुर के नाम से होगा, है ना, तो ट्रू कलर पे क्या नाम ही होगा, वो वही नाम वहां पर विकास मिलेगा, ठीक है ना, एडमिन है दोनों में, पेड में भी है उसमें, विकास को कांटेक्ट कर लेना, मैं एक दो बार नंबर भी शेयर किया हूँ, लेकिन उनको परेशान नहीं करना, मैसेज डाल देना, वेट करना, एक एक को कॉल जाएगी ये गारंटी है, एक एक को जाएगी कॉल, ये मेरी गारंटी है, समझ रहे हैं आप, मैसेज विकास को डाल दीजिए, तब तक काम आपका हो रहा है, बैठे हैं वो काम करते रहेंगे आपका, ठीक है ना, ये नाउन फ्रेज है बिल्कुल, क्योंकि इंसिस्टेड क्या किया इसका उत्तर दे रहा है और ये नाउन फ्रेज है, बात समझ रहे हैं। अब हम चलते हैं और दूसरा वाला सही है, इसका ये वाला सही है बेटा, ये रीडिंग फ्रेंच ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, ये कौन सा फ्रेज, ये कुछ रीडिंग फ्रेंच ये कौन सा फ्रेज है, इजियर देन सेपरेटिंग और इट अलग कर दिया, ये दो भागों में बटा है, बताओ ये क्या है, ये एस ओ सी है या एस ओ बी है, एस बी सी है, ये ए है, ये बी है, सी है, जरा बताओ, विकास सर से एक दिन हाँ मुलाकात करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे, वो खुद ही आके आपको थोड़ा सा ऐप के संबंध में कुछ जानकारी भी दे देंगे, आज ही मैं करवा देता हूँ मुलाकात, ठीक है ना, दो मिनट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मिल लेना आप लोग ऐप वाली क्लास में, अभी चलेगी उसमें बता देंगे सर, पेड वाले जितने बच्चे हैं उनको कैसे क्या करना है उसमें, ये सारी चीज़ें आपको उसमें बता दी जाएंगी, आप समझ गए, दो मिनट के लिए, और इंट्रोड्यूस भी करवा देंगे, अपना नंबर भी बता, तो हमको ज़्यादा टेंशन उसकी ना दो, इनको दो खूब टेंशन, ताकि ये सारा काम आपका अपडेट कर, आपको क्लास न मिल पाई समय से तो मेरे सारे प्रयासों का जीरो बटा सन्नाटा हो जाएगा काम, तो और मकसद वही है, मकसद वही है, अब बताओ भैया ये सब नालायक है, हंसी है, सब 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 बढ़िया है हमारे, एस वी सी है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है ना, ये हमारी मेन, अच्छा ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, एच वी है,
या एमवी है, ये क्या है, ये दोनों बोलो, ये एचवी है कि एमवी है, उत्तर देते रहना, मैं चलता हूं आगे। ऑल वीमन लव ज्वेलरी, ज्वेलरी कहा जाता है एक्चुअली, ज्वेलरी एंड, लेकिन लिखा ये ज्वेलरी जाता है, ज्वेलरी एंड सिल्क सारीज, बताओ ये क्या है, ये वी एस है या एस वी ओ है या एस वी ए सी है या एस वी ए है, बढ़िया बढ़िया नहीं हुए अभी, बढ़िया होंगे तब जब नाम यहाँ फोटो चिपक जाए तुम्हारा, और जब तक यहाँ फोटो नहीं आता तुम्हारा तब तक हमको कोनो भरोसा नहीं तुम बढ़िया होने, मेहनत तुमको करनी नहीं है वह काम खत्म, हमारे बच्चे मेहनत खूब करते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है हमको, मेहनत तो करते हैं लेकिन कुछ ही कर रहे हैं अभी। तो देखो 300 की पेड संख्या में और ओपन क्लास चल रही है और 54 लोग देख रहे हैं, लेकिन हम भी थोड़ा सा नालायक थे पिछले 15-20 दिन से, इसे क्लास नहीं लिए, जब एक ही समय पर लगातार क्लास होती है तभी जो है व्यूअर्स आते हैं, है ना, ये सब। ऑल वीमन लव ज्वेलरी एंड सिल्क में है क्या, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये वर्ब हो गई, क्या पूछो क्या, तो ज्वेलरी ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, एंड तो ये एंड किसको जोड़ रहा है, क्या वर्ब को जोड़ रहा है, नहीं, सिल्क सारीज, ये दोनों, ये इतना बड़ा ये फ्रेज में एक नाउन एक इस कंजक्शन से दूसरे नाउन सारी के द्वारा जुड़ा हुआ है, और सिल्क इसमें ये है ना, तो ये किसमें है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट और ये नाउन फ्रेज हो गया, है ना, नाउन फ्रेज। बिल्कुल ठीक है ना, अगला देखो, द ओल्ड लेडी कीप्स हर क्लॉथ्स इन अ कप बोर्ड, हाँ नाउन एंड नाउन पूरा फ्रेज बन गया वो एंड से जो, द ओल्ड लेडी कीप्स हर क्लॉथ्स इन अ कप बोर्ड, एक कप बोर्ड में रखती है, आइडेंटिफाई द पैटर्न, क्या है पैटर्न, पैटर्न क्या है, देखो क्या है, ओल्ड लेडी ये नाउन फ्रेज है, सब कीप्स ये वर्ब हो, है ना, हर क्लॉथ ना इन अ कप बोर्ड, तो कहां ये इन कप बोर्ड, तो वेयर इसे पूछो, कीप्स से कहां रखती है, ये नाउन क्यों, क्योंकि ये सॉरी सॉरी सर क्या लिख दिया मैंने, तो लिख दिया नाउन, कौन सा फ्रेज है बोलो, बोलो कौन सा फ्रेज है, ये कौन सा फ्रेज है, ये इन अ कप बोर्ड कौन सा फ्रेज है, बोलो ये एडवर्ब फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है, क्या हो गई बात, बिल्कुल एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ये कह रहा कहां रखती थी, तो कह रहा एडवर्ब फ्रेज कहां रखती थी, इन अ कप बोर्ड, ये नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज है ना, में ये एडजेक्टिव यानी डिटरमिनर है, तो चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हो डेटर, ये इसका नाम ठीक है ना, बोर्ड इसका दूसरा नाउन है जो जुड़ा है, इन ये प्रपोजिशन हो गया, और ये आ ये डिटरमिनर हो गया, और ये कप बोर्ड हो गया ऑब्जेक्ट इस प्रपोजिशन का, तब ये फ्रेज बना इन आ कप बोर्ड, इन आ कप बोर्ड क्या है इसमें, देखो ये प्रपोजिशन डिटरमिनर और ये नाउन, तब ये फ्रेज बना, इसका फंक्शन क्या है, एडवर्ब होना, क्योंकि ये उत्तर में मिलता है कीप्स से, कहां रखती है, तो पूछते हैं कीप्स से, तो कहता यहां रखती है अब बोर्ड में, तो वो एडवर्ब हो गया वो फ्रेज। चिल्ड्रन अनविलिंग टू लर्न, जो चिल्ड्रन अनविलिंग रहते हैं लर्न करने के लिए, जो लर्न करने को अनविलिंग होते हैं, दो चिल्ड्रन आर कॉल्ड, द हेड वर्ड
इन द अबव फ्रेज इज हेड वर्ड एच कौन सा है? आप जानते हो एच और एम ये चलता है सब्जेक्ट के फ्रेज में, जो हमारा नाउन फ्रेज होता है सब्जेक्ट बनता है, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट जो भी फ्रेजेस बनते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं डिटर्मिनर प्लस नाउन, या डिटर्मिनर प्लस नाउन या ऐसे होते हैं डिटर्मिनर प्लस एक्टिव प्लस, या ऐसे होते हैं डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, है ना। तो ये ए ए एन टी ये बनेगा, तो क्या बनेगा ये टी ए एन। अब इसमें ये है क्या, इसमें ये पूरा पूरा ये जो डी है ये एक मॉडिफायर है, ये किसके लिए लगा है इस एन के लिए, ये है एक मॉडिफायर, ये किसके लिए लगा है एन के, ये है एक मॉडिफायर, ये किसके लिए लगा है ये ए के लिए लगा है। जैसे हम कहें अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, देखो इसमें ये चीज तो है गर्ल हो गया गर्ल, तो इसमें ए क्या है ये है एडजेक्टिव, ये डिटर्मिनर है, किसके लिए लगा है नाउन, और नाउन के लिए लगा है तो इसको हम क्या कहेंगे एक प्रकार का मॉडिफायर। अभी डिटरमिनर का चैप्टर लिया था 2 घंटे के, हमने यही समझाया कि डिटरमिनर एडजेक्टिव मॉडिफायर ये सब क्या होते हैं, सारे के सारे मॉडिफायर, ये सारे के सारे मॉडिफायर जिसमें डिटरमिनर भी आते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव भी आते हैं, क्वान्टिटेटिव एडजेक्टिव आते हैं, मॉडिफायर्स आते हैं, और इन सभी को एक्चुअली मॉडिफायर्स कहा जाता है क्योंकि ये कुछ न कुछ वृद्धि करते हैं किसमें, नाउन के स्वरूप में, रूप में, इस संख्या में, किसी न किसी तरह से ये कुछ न कुछ करते हैं उनके बारे में, और इसीलिए ये मॉडिफाई करते हैं स्वरूप में, इसलिए इनको मॉडिफायर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, इनको मॉडिफायर्स कहा, है ना। और अब ये भी मॉडिफायर हो गया, ये भी मॉडिफायर हो गया, ये भी मॉडिफायर हो गया। टैलेंटेड किसको कहला है, गर्ल को, गर्ल हमारा क्या है हेड वर्ड, एक्चुअली नाउन है ना, लेकिन यही तो हेड वर्ड है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी बनेगा ये लड़की ही बनेगी, लेकिन लड़की के लिए ये सारे के सारे लगे हैं, ए लगा है लड़की के लिए डिटरमाइन, वेरी लगा है टैलेंटेड के लिए, और वेरी टैलेंटेड लगा है इस गर्ल, तो ये दोनों मॉडिफायर का काम गर्ल के लिए कर रहे हैं, ए भी मॉडिफायर का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए ये एम एम एच हो, एच ये हेड वर्ड है, M एक मॉडिफायर है, M भी एक मॉडिफायर है, ये दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं। पूरी समझ में आई बात, ये पूरी कहानी हमने खोल खोल के समझाई है, एक एक सेंटेंस को मैंने ऐसे ऐसे नट बोल्ट सब ढीले करके खोल के दिखाया है आपको, समझ गए। फिर ना समझ में आया तो जैसे ही का क्वेश्चन आएगा मैं तुरंत खोल के समझा दूंगा। आरपीएससी में यहां से कम 6 से 7 क्वेश्चन आता है, और आपको इतना मैंने माहिर बना दिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका मतलब पूरी की पूरी ग्रामर आपकी ये मुट्ठी में, कोई रोक नहीं सकता उसको अचीव करने से, और ग्रामर अचीव हो गई तो सब आपका ओके हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चिल्ड्रन विलिंग टू लर्न में हेड वर्ड कौन सा है, चिल्ड्रन है बेटा, टू अनविलिंग चिल्ड्रन है, वेरी को, अरे वेरी वेरी क्या है बताओ, वेरी एडवर्ब है, और ये क्वालिफाई कर रहा है किसको कर रहा है, टैलेंटेड को, तो बताना पड़ेगा क्या है, और ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, वेरी केवल टैलेंटेड के लिए लगा है, वो वेरी गर्ल के लिए थोड़ी लगा है। जरा देखो पूरी बात समझ लेना अच्छे से, हम कहें वेरी बॉय, बताओ ये क्या है, ये क्या है, ए डी वी है या ए डी जे है, टेल मी गाइस, गाइस वाइज कहना चाहिए ताकि लगे मैं अंग्रेजी का, है ना बेटा, गाइस वाइज कहना चाहिए बिल्कुल, है ना।
पानी दो जरा पानी। तो ये एडीवी है कि एडीजे है? हाँ बेटा हाँ बेटा देखो फिर दोस्त, ऐसे ही बच्चों को समझाना है। साला क्लास में जाओ तो बच्चा मान ले तुम भगवान ग्रामर के, बस तुमको ये साबित करना है अपने आप को यही साबित करना। वो उसको ये लगे कि यार आपसे बेहतर टीचर उसको साला मिल ही नहीं सकता है, आप समझ रहे हो? एडीवी ये, अब ये देखो द वेरी गुड बॉय, तो जो दिखता है वो होता नहीं। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट, यू हैव टू थिंक द यूज ऑफ द वर्ड, द यूसेज ऑफ द वर्ड। आपको उसे समझ लेना है एक बार, बस उसकी प्लेसिंग समझ में आ गई, वो कहाँ है, वो क्यों है, ये एडवर्ब बताएगा क्यों है वहाँ, वो एडवर्ब बताएगा। वो क्या है, एडजेक्टिव बताएगा। वो क्या है, वो एडजेक्टिव बताएगा। तो एक्चुअली कौन है ये नाउन बताएगा, नाउन ही बताएगा, नाउन ही बताएगा। वह अनिल वर्मा है कि अनिल बिस्वानी है कि टीचर है, ये सब अलग अलग उसकी व्याख्या तो कर रहे हैं, सारे के सारे नाउन। इनके बारे में वो अच्छा है, वो बुरा है, वो लंबा है, वो हैंडसम है, वो मूर्ख है, जो भी जितने भी चीजें उसका एक्सप्लेन करेंगे वो सब एडजेक्टिव होंगे, वो सब उसके मॉडिफायर होंगे, और वो उसी के पास तो होंगे, आगे पीछे होंगे, उसी के प्रोनाउन के पीछे लगे होंगे वो की तरह ही। सी इज गुड, अब गुड सी ही, सी को ही को जो भी आगे होगा उसको बताएगा प्रोनाउन है, प्रोनाउन के लिए लगा एडजेक्टिव। गुड बॉय कहेंगे तो बॉय नाउन हो जाएगा, नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड उसके पहले दिया है। प्रेडिकेटिवली नहीं, ये कैसे यूज किया गया है, एट्रीब्यूटिवली सब्जेक्टिवली यूज किया गया उसके आगे उसके पहले। तो ये अब गुड हो गया बॉय, और वेरी हो गया गुड, और ये द हो गया बॉय, जैसे कह रहा है ये द है, ये द है, हो गया ये वेरी एडवर्ब हो गया। तो सब तो जानते हो ना, लाइक 10 क्वेश्चन हमने ग्रामर के दे दिए हैं, और 10 क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़िया लिटरेचर के देख लो, और टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन हैं, और ये चल रही है हमारी रेस्टोरेशन एज, रेस्टोरेशन पीरियड के कुछ क्वेश्चन हैं, 17वीं शताब्दी के कुछ क्वेश्चन हैं, कह सकते हैं आप 16वीं शताब्दी, 1700 के बाद 18वीं शताब्दी, 1700 के बाद 18वीं शताब्दी, 3 सेंचुरी 16वीं से वाले, ये रेस्टोरेशन एज के कुछ जिसमें 10 क्वेश्चन पिछली क्लास में हुए, और ये 11वां क्वेश्चन पीडीएफ आपको मिल गया है। पीडीएफ आप ऐप पे डाउनलोड कर लीजिए, और उसको खोइए मत, जब ग्रुप में थोड़ा सक्रिय रहिए, जो मैसेज यहाँ से जाए विकास, आप उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लीजिए। रोज रोज कटोरा लेके चले आते हो, ये पीडीएफ दे दो, वो पीडीएफ दे दो, दाता के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम, अच्छा नहीं लगता। केयरफुल बनिए, ऐप में ध्यान रखिए, वहां से डाउनलोड नहीं होगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में वहां भी डाला जाता है। आप थोड़ा कॉशियस रहिए, आप थोड़ा सा जागरूक बनिए अपनी क्लास के बारे में, थोड़ा सा सोच करके, मैं पढ़ता भी हूँ, उसको डाउनलोड कर लिया करिए, उसको तुरंत हार्ड कॉपी निकलवाइए, काम खत्म। इतना कीमती है वो, दसियों बीसियों साल की मेहनत उसमें समाई हुई है, तुम इतना केयरलेसली ले रहे हो, पछताओगे बाद में, जो फंसे हैं वो पछता रहे हैं, कंटेंट नहीं मिल रहा बेचारों। What happened in 1707 that would forever alter the relationship between England and Wales and Scotland? इसको हमेशा के लिए क्या कर दिया, alter माने चेंज कर दिया, बदल दिया, उस प्रोसेस को ही चेंज कर दिया, राज्य के शासन के प्रोसेस को ही चेंज कर दिया। चलो बताओ जल्दी से, मैम कहाँ है नालायक रमेश द्विवेदी, मैम तुमको दिख रहे हैं, मैं तो हम मायम दिख रहे हैं, आपस में बतिया रहे हो क्या, हम बकवास कर रहे हैं, उत्तर आया, हाँ बिल्कुल सही है ये, वाह। द ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, और कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये जानना बहुत, देखो जरा ये है मैरी, तुम्हारी मैरी दीदी ये रही, मैरी स्टुअर्ट वॉज एग्जीक्यूटेड, थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया मेरे, ध्यान नहीं दिया। Mary Stuart was executed on 8 February 1587 at Fotheringay Castle. Castle, castle माने किला, किले में. After a trial whose outcome forever troubled Queen Elizabeth. ये बहुत परेशानी का सबब बना. This famous account of execution was written by Robert Wingfield. Robert Wingfield के द्वारा लिखा गया था उनके. पूरी explain की गई.
ग्रेट स्कैंडल्स ऑफ मैरिज लाइफ, बड़े बड़े उन्होंने कांड किए थे अपने जीवन, वर फॉरगॉटन एंड सी वाज मॉर्न्ड, अब उसको रोया जाता है, विलाप उसके गीत गाए जाते हैं, दर्द में गाए जाते हैं, एक कैथोलिक मार्टियर की वो कैथोलिक धर्म के ऊपर उसको मार्टियर शहीद का दर्जा दिया जाता है। ट्रुथ ऑफ हर डिमाइज, उसके इस पतन का जो कारण था बड़ा सिंपल था, मैरी डिड नॉट प्लॉट अगेंस्ट एलिजाबेथ लाइफ, उसने कोई भी चक्रव्यूह, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं की थी एलिजाबेथ की लाइफ के लिए, बावजूद उसको एग्जीक्यूट किया गया, उसे अपराधी और दोषी ठहराया गया। एलिजाबेथ डिड कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट पेटिशंस टू एग्जीक्यूट मैरी ओवर द 19 ईयर कोर्स ऑफ हर इम्प्रिजनमेंट, 20 साल के एग्जीक्यूशन जेल जाने के दौरान उसने कोशिश करती रही। इवेंचुअली आखिरकार हाउएवर द कैथोलिक थ्रेट वॉज deemed too great and Elizabeth reluctantly signed the warrant of execution. इच्छापूर्वक उनको एक एग्जीक्यूशन के लिए वारंट को साइन करना पड़ा। And then she was, Mary Stuart was executed on 8 February 1580. This was all about Mary's execution. The next question from 18th century literature is, Pope made money by selling subscriptions to his translations of this classical epic. What classical epic made Pope money? Pope made money by selling that particular one. Which one that? अरे विकास सर का नंबर वहां पब्लिक में बांटना है, रुपया उपया नोट वोट है क्या कि भाई यहीं तुमको दे दे, ठीक है ना, ले लेना पर्सनली, मैंने रास्ता बताया उसका मिलने का, पर हम वायरल करेंगे क्या उसका है? पेड बच्चों के लिए यही तो करेंगे, सर का नंबर वहां मिठाई है जो बट रही है। चलो भैया चलो बारहवा बोलो। हाँ बिल्कुल यही है, यही है, इलियाड है, इलियाड है, जाते गए ना लाइक में। आज सर का नंबर कोई बिजवानी सर का नंबर थोड़ी है। तो जीना मुश्किल कर दोगे, इसका नंबर दे देंगे। हाँ इससे हल्का थोड़ी। What name is given to the English literary period that included the Rome of Virgil की संज्ञा इसको जी जाती है, Horace and Ovid तीनों का, Rome of Virgil, Horace of and Ovid, कौन सा पीरियड था, क्या अगस्तन या मेटाफिजिकल या रोमांटिक या न्यू रोमांटिक? हाँ ग्रुप में है भैया, हुआ टार्च लेके ढूंढना पड़ेगा इनको, इतना होता नहीं है, मांग रहे हैं, मांगने की आदत ऐसी खराब पड़ी हुई है हमारे हिंदुस्तान, चांद कटोरा लिए कर ये दे दो वो दे दो, अरे खुद से हासिल करने को जानते नहीं, पॉइजन हम खाएंगे, पॉइजन है ये, मुबारक हो, उमोज मतलब पॉइजन होता है, तुमको पता भी है, तुम्हें मुबारक हो मोमोज। चलो भैया दूसरा नाम पॉइजन है, जहर अगस्टन है क्या? बिल्कुल अगस्टन है, बिल्कुल अगस्टन है, अगस्त। चलो नेक्स्ट, हु बिगेन द ट्रेडिशन ऑफ रिवेंज प्ले, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या क्वेश्चन है यार, क्या क्वेश्चन है भाई, कितना लाजवाब क्वेश्चन, एकदम लजीज मोमोज की तरह, कतई जहर क्वेश्चन है, जहर क्वेश्चन, एकदम जहर। हेलो तो जो है सिलेक्शन हो जाए भैया, देखो हम बहुत शांति से पढ़ा रहे हैं, ज्यादा कूद फांद नहीं रहे है ना, पाइसन पढ़ाया करेंगे, हड्डी उड्डी कहीं उखड़ गई बुढ़ापे में तो तंग हो जाएगी जिंदगी हमारी। थॉमस किड, क्या बात है, जरा नाम भी हो जाए थॉमस किसकी बेहतरीन ट्रेजिडी का, किस नाम से जानी जाती है, एस से है, बोलो जरा किताब का नाम इनकी, एस से है, हम बता दें। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली कंसिडर्ड टू बी द न्यू क्लासिकल पोएट, इनमें से कौन, क्या जायन ब्राइडन, हेनरी वॉन या अलेक्जेंडर पोप एंड बेन जॉनसन, पैन स्ट्रेजडी, जियो मेरा फिरोज।
सर के सामने ही कटोरा लेके खड़े। अच्छा, सर के सामने खड़े हो। हम मजाक कर रहे हैं, आप कटोरा लेके थोड़ी खड़े हो, बच्चे हो मेरे यार। आपका हक है मुझसे मांगना, छीन लेना ना, मैं ना दूं तो मेरी प्रॉपर्टी को छीन लेना तुम्हारा हक है ना, हक मैंने दिया है। गुस्से से ले सकते हो सर, क्यों नहीं देंगे हमको, जिद करके ले सकते हो, सब मिलेगा। बिल्कुल, वो कौन थे? अरे तो बहुत प्रकार के उत्तर आ रहे हैं भैया। अरे ये नहीं, ये सब सबका गलत, सबका गलत, ये सबका गलत। ये है हेनरी वॉन, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप, बेन जॉनसन और जॉन ड्राइडन, ये तीनों न्यू क्लासिकल पोप के अंतर्गत, और नहीं है इसमें तो हेनरी वॉन। अच्छा, हेनरी वॉन थे कौन? हेनरी वॉन कौन क्यों नहीं थे? क्योंकि हेनरी वॉन वॉज वेल्स मेटाफिजिकल, ये एक मेटाफिजिकल पोएट थे जो न्यू क्लासिकल के अंतर्गत तो अध्यात्म के बारे में लिखते थे, आत्मा के बारे में लिखते थे, परमात्मा के बारे में लिखते थे। फिजिक है हमारी अंदर से, बिल्कुल ईश्वर हमारे अंदर ही घुसा हुआ है। इस तरफ से गई थी इनकी, रोमांस से बिल्कुल अलग हट गई थी। 17वीं शताब्दी के बाद की बात है, रोमांटिक खत्म हो चुका था विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के साथ ही 1850 में, और उसी के बाद की बात। एंड ट्रांसलेटर राइटिंग इन इंग्लिश एंड अ मेडिकल फिजिशियन, हिज रिलीजियस पोएट्री अपियर्ड इन सिलेक्ट सेंसेस इन 1650 विद अ सेकंड पार्ट इन 1655 इन हिज 1666 46 हिज पोएम्स विद द 10th सटायर ऑफ जुवेनाइल इंग्लिश, ये नाम याद रखना, वाज पब्लिश्ड, ये पब्लिश की थी हेनरी वॉन ने कब? 1646 में। मीन व्हाइल ही हैड बीन परसेडेड बाय रीडिंग द रिलीजियस पोएट जॉर्ज हर्बर्ट टू रेनाउंस आइडल वर्सेस की। छोटा सा क्वेश्चन एक और है लिटरेचर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ न्यू क्लासिकल, निम्न में से क्लासिकल पोएट्री में से जो न्यू क्लासिकल पोएट्री थी के बारे में तीन ऑप्शन, कौन सी बात सही नहीं है? जरा पढ़िए, हिस्टोरी के क्वेश्चन सही होंगे ना बेटा। अब एक आइडिया बन रहा है कि किस स्टेज में कौन सा पोएट था, स्टेज में कौन सा, ठीक है ना? अब धीरे धीरे आइडिया बन रहा है बढ़िया सा। टाइम नहीं मिला ना, हिस्ट्री पढ़ा दी जाती अगर तो मजा आ जाता, पर गर्मी की छुट्टियों में टाइम तो खैर है, मैं निकाल के धीरे धीरे शूट करके उसको पढ़ा सकता हूँ। दो दो घंटे के, तीन तीन घंटे के वीडियो बना के डलवा दिया जाए, ऐसा रहेगा। कोशिश करता हूँ मैं, छोटे छोटे वीडियोस को शूट करूंगा और फिर उनको एक साथ मर्ज करके लंबा वीडियो हिस्ट्री बना दूंगा 9-10 घंटे, और उसको आप बढ़िया प्यार से देखते रहिए, पूरी हिस्ट्री उसमें आपको मिल जाएगी। यही करूंगा, है ना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि मैं 15 मिनट में हिस्ट्री खत्म नहीं करना चाहता। उसमें व्यूज तो आते हैं 6 मिलियन, 15 मिनट में पूरी इंग्लिश लिटरेचर समाप्त, यूं चुटकियों में ऐसे से बनाते हैं वीडियो लोग, व्यूज जाते हैं 7 मिलियन 6 मिलियन, हमारे वीडियो को पूछते नहीं, 300 लोग देते हैं, 400 लोग देते हैं, उनको मजे नहीं आता, क्योंकि हम पढ़ाते हैं नाउन की जो डेफिनेशन है वही हम 1.5 घंटे में देते हैं, 2 लेक्चर कम से कम उसमें होते हैं, तो क्या करे आदमी, ऊब जाता है, इतना कहाँ पढ़ाई हो पाती। इमिटेशन ऑफ क्लासिकल एंड अल्यूजन टू माइथोलॉजी, ए एफर्ट टू रिप्रेजेंट ह्यूमन नेचर, यूज ऑफ राइम्ड कपलेस, फैंटास्टिक कंपेरिजन, ये डी सही होगा। बाकी के तीनों न्यू क्लासिकल में थे, क्या था? इमिटेशन फॉर्म्स एंड एल्यूजन ऑफ मैथोलॉजी की बिल्कुल कल्पनाएं आती थी, और इमिटेशन था क्लासिकल। एफर्ट टू रिप्रेजेंट ह्यूमन नेचर, बिल्कुल मानवीय चरित्र को प्रयास किया गया लिखने का उस युग में, किसमें? न्यू क्लासिकल में। नाउ यूज ऑफ राइम्ड कपलेट्स, खूब हीरोइक कपलेट्स का खूब सारा यूज, चाहे अलेक्जेंडर पोप हो या दूसरे इनके समकालीन कंटेम्पररी पोएट्स, और फैंटास्टिक कंपैरिजन ना, ये न्यू क्लासिकल ये इसकी कोई गुण नहीं था। व्हाई डिडंट अलेक्जेंडर पोप अटेंड द इंग्लिश यूनिवर्सिटी, क्यों यूनिवर्सिटी को अटेंड की? बेन जॉनसन क्यों नहीं है? अरे बेन जॉनसन क्यों होगा न्यू क्लासिकल में? हाँ, बेन जॉनसन न्यू क्लासिकल में थोड़ी आता।
चलो 17 नंबर सी, अमित यादव, 17 का सी, यानी ही वॉज अ कैथोलिक एंड देयर फॉर फॉरबिडन फ्रॉम अटेंडिंग, है तो उत्तर यही। चलो वाई डिडंट अलेक्जेंडर पोप अटेंड एन इंग्लिश, क्योंकि कैथोलिक, ही वॉज अ कैथोलिक, वह है कैथोलिक एंड देयर फॉर फॉरबिडन फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज को अटेंड करने का उनका कैथोलिक को अटेंड नहीं थी, इसलिए इनको इंग्लिश यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला। इन द लेट 17th सेंचुरी बैटल ऑफ द बुक्स, बहुत बेहतरीन, तो आपने कई बार सुना होगा बैटल ऑफ बुक्स, ये पीजीटी में शायद क्वेश्चन, अबोलिशनिस्ट करने वाले, अबोलिशन करने वाले एंड एंथुजियास्टिक फॉर स्लेवरी, अबोलिशनिस्ट एंड एंथुजियास्टिक फॉर स्लेवरी, स्लेवरी के लिए बहुत एंथुजियास्टिक, राउंड अर्थर्स एंड फ्लैट अर्थर्स, गोल या फ्लैट, द वेल्स एंड द स्कॉट्स, चैंपियंस ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न लर्निंग, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, चैंपियंस ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न लर्निंग, बैटल ऑफ द बुक्स रप्चर्ड बिटवीन विच टू ग्रुप्स, चैंपियंस ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न लर्निंग ग्रुप्स कह सकते हैं स्कूल का, बिल्कुल सही है दी, बहुत बढ़िया दी, सही है एकदम। एक क्वेश्चन और लेंगे, विच पोएट क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर ब्रॉट इंग्लैंड अ मॉडर्न लिटरेचर 1660 एंड 1700, कौन से क्वेश्चन में बेटा, रमेश द्विवेदी जॉनसन होना चाहिए, हेलो आप देखना मैं देखूंगा, याद दिलाना हमको, ठीक है याद दिलाना, होगा तो उसको हम यहाँ पे कीवर्ड डलवा देंगे, ठीक है। कौन से क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ में आया, पीछे वाले का, ये कहता है लेट 17th सेंचुरी में अ बैटल ऑफ द बुक्स रप्टेड, एकदम उभर कर सामने आई, अचानक सामने आई, बिटवीन विच टू ग्रुप्स, कौन से दो ग्रुप्स, तो वो ग्रुप्स थे चैंपियंस ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न लर्नर्स, लर्निंग स्कॉलर्स, ये दो ग्रुप्स थे, चैंपियंस ऑफ एंशियंट लर्निंग स्कूल एंड चैंपियंस ऑफ मॉडर्न, एंशियंट और मॉडर्न दो ग्रुप, चैंपियंस ऑफ एंशियंट लर्निंग स्कॉलर्स एंड चैंपियंस ऑफ मॉडर्न लर्निंग स्कॉलर्स, इन दो ग्रुप्स के बीच की एक प्रस्फुटना थी, प्रस्फुटित हुई, इन दोनों ग्रुप्स के टकराव के कारण ये ज्वालामुखी की तरह उभर कर सामने, और इसी ने पूरी तरह से इसको भड़काया, मतलब ये इसका थीम थी, एंशियंट लिटरेरी ग्रुप और मॉडर्न लिटरेरी ग्रुप के दोनों के आपस में टकराव का इरप्शन थी, रिजल्ट थी, धूम होकर सामने आई थी, समझ गए, दो ग्रुप थे चैंपियंस, कौन से चैंपियंस, एंशियंट और मॉडर्न लर्निंग ग्रुप, इनके बीच की प्रस्फुटता थी, प्रस्फुटित होकर इनके सामने निकले, एकदम विस्फोट होकर के, विच पोएट क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर ब्रॉट इंग्लैंड अ मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्न लिटरेचर को कौन लाया 1660 और 1700 के बीच में, 40 वर्ष के
काल में, क्या ये क्रैब थे, ड्राइडन थे, या बनियान थे, या एडिसन, चारों के नाम आपने सुन रखे हैं पहले से। ड्राइडन थे 19 का, जॉन ड्राइडन थे, बिल्कुल जॉन ड्राइडन थे, जॉन टाइसन सर, समझ गए हैं पूरा, ड्राइडन ही थे जो 16 जन्म और मृत्यु पूछी गई है। व्हाट नेम इज गिवन टू द इंग्लिश लिटरेरी पीरियड दैट इमुलेटेड द रोम ऑफ वर्जिल होरास, एंड ये तीनों किस काल का परिलक्षणा थे, परिलक्षणा कहते हैं, आ चुका है ना अभी ऊपर, यही क्वेश्चन तो आया था, तो ऑगस्टन एज कहा गया उसको, जिसमें वर्जिल और होरास और ओविड पर बहुत काम हुआ, बहुत काम परिलक्षित हुई, इमुलेटेड हुई, रोम ऑफ यानी ऐसा लगा कि इस युग में ऑगस्टन एज में वर्जिल होरास और ओविड का जन्म हो, यही तो अभी बताया था ऊपर पिछली बार, ये दोबारा आ गया है कुछ करा पढ़ लिया हम तो बहुत होशियार है, ठीक है ना। अब आपसे सूचना ये देनी है आपको, ऐप का नाम है ए बिस्वानी क्लास, वहां पर देखो चल रहा है आज, हम उस पर फ्री क्लासेस भी हैं, अभी और कुछ क्लासेस आज मैं चलवाने वाला हूँ फ्री क्लासेस में, ताकि आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाए, ऐप में जब आप घुसे भ्रमण करके वापस आए, यूं ही कहीं कोई वीडियो टकरा जाए आपसे, कुछ शानदार नॉलेज आपको देख, 40 मिनट से 50 मिनट और 60 मिनट होते हैं, और लाइव क्लासेस ही हैं, मुझे वीडियो में पढ़ाना पसंद नहीं, मैं भी बिल्कुल बैठ कर मैं आपसे बात करता हूँ या इंटरेक्ट करता हूँ फील, तो और तभी बढ़िया मजा आता है क्लास। तो आप नंबर वही है जो अब तक रट गया है आपको, 70230 30918, मेरे अलावा और कोई कॉल नहीं उठाएगा, मैं ही रिस्पॉन्ड करूँगा हर फोन करने जा, लेकिन अब क्लास खत्म करके फिर रिस्पॉन्ड करें, ठीक है ना, तो मिलते हैं ऐप पर, थैंक यू।